जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में पहले तो ये जानिए कि जैन धर्म के जो सबसे मेन गुरु होते हैं, जैसे अपना कोई भी धर्म होता है, अपने कहते हैं ना ये गद्दी उन्होंने संभाल रखी है। सिखों में कहें सबसे पहले गुरु नानक देव जी थे, इस प्रकार से उनके जो 10 गुरु बने थे, लास्ट में गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो ये इनके मेन गुरु थे जिन्होंने गद्दी संभाली थी। जैन धर्म के अंदर जो मेन गद्दी संभालने वाले हैं, जो मेन इनके गुरु होते थे, उन्हें ये लोग तीर्थंकर बोलते। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपका। जैन धर्म के प्रमुख आचार्यों को क्या कहके पुकारा जाता है? तीर्थंकर कहके पुकारा जाता है। इनमें टोटल 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। जैसे सिख धर्म में कुल कितने गुरु हो चुके हैं? 10 गुरु हो चुके हैं। जैन धर्म में टोटल 24 गुरु हो चुके हैं, 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ। इन्हें आदिनाथ भी बोला जाता है, इन्हें केसरीनाथ भी बोला जाता है। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर है उनका नाम है ऋषभदेव, आदिनाथ या केसरीनाथ। जो पहले होते हैं हमने हिस्ट्री में पढ़ा, उन्हें चाहे अपने मूल पुरुष बोले, चाहे आदि पुरुष बोले, चाहे संस्थापक बोले। तो इस प्रकार से जैन धर्म के मूल पुरुष, आदि पुरुष, संस्थापक किन्हें कहा जाएगा? ऋषभदेव, आदिनाथ या केसरीनाथ। सिख धर्म में जिस प्रकार से अपने 10 गुरुओं का नाम याद करते हैं, उनकी जीवनी याद करते हैं, इनमें 24 के 24 को पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेन पढ़ेंगे। एक तो पहला याद करो क्योंकि इनका संस्थापक है। उसके बाद 19 नंबर पे जो इनके तीर्थंकर बने थे उनका नाम था मल्लीनाथ। 19वें तीर्थंकर कौन थे? मल्लीनाथ। इनकी क्या खास बात है? इनकी खास बात यही है कि ये एकमात्र महिला तीर्थंकर है। मतलब जो गद्दी पर बैठी थी वो एक ठीक लेडीज औरत। तो जैन धर्म के अंदर एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन रह चुकी है? मल्लीनाथ रह चुकी। इसके बाद याद करेंगे 23वें तीर्थंकर, 23 नंबर वाले। 23वें नंबर पे बने थे पार्श्वनाथ। 23वें नंबर पे कौन बने थे? पार्श्वनाथ। इनकी क्या खास बात है? इनकी खास बात यह है इन्होंने लगातार 84 दिनों तक तपस्या की थी। जैसे मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था, उन्होंने कितने दिन तपस्या की थी? 7 दिन। इन्होंने कितने दिन तपस्या की थी? 84 दिन। 84 दिन की कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी नीलगिरी पर्वत पर। पर्वत पूछा जाए तो नीलगिरी पर्वत पर लगातार 84 दिन की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके जो प्रथम अनुयायी थे, इनके दो जो प्रथम अनुयायी थे यानी शिष्य थे, वो एक तो इनकी माता ही थी और एक इनकी पत्नी थी। इनके प्रथम दो अनुयायी यानी इनके प्रथम दो शिष्य कौन थे? एक इनकी माता और एक इनकी पत्नी। माता का नाम है वामदेवी और पत्नी का नाम है प्रभावती। प्रभावती। इनकी माता का नाम क्या था? वामदेवी। पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती। कई बार बोल जाते हैं कि माता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नियां प्रभावशाली होती हैं, तो पत्नी का नाम क्या था? प्रभावशाली। क्लियर। इन्होंने 4 सत्य बताए थे, जैसे अपने उसके अंदर पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के अंदर सिद्धांत पढ़ते हैं, 10 सिद्धांत थे। इन्होंने 4 बताए थे। किन्होंने? पार्श्वनाथ। इनके 4 सिद्धांत क्या थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय। क्या मतलब होता है अस्तेय का? चोरी न करना, और अपरिग्रह, इकट्ठा न करना, सामान को इकट्ठा न करना, किसी भी वस्तु को इकट्ठा नहीं करना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। कितना याद हुआ? इतना देख। जैन धर्म के प्रमुख आचार्य को क्या कहके पुकारा जाते हैं? तीर्थंकर कहके पुकारा जाते हैं। इनमें कुल कितने तीर्थंकर हो चुके हैं? 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, इन्हें केसरीनाथ भी कहा जाता है। 19वें तीर्थंकर कौन थे? मल्लीनाथ थे, ये एकमात्र महिला तीर्थंकर है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? इन्होंने 84 दिन कठिन तपस्या की। इनके दो अनुयायी, इनकी माता और इनकी पत्नी थी। माता का नाम वामदेवी और पत्नी का नाम प्रभावती। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। 24वें तीर्थंकर जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है,
जो अंतिम तीर्थंकर थे, जिनके बाद कोई और तीर्थंकर नहीं बना, वो थे महावीर स्वामी। चौबीसवें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म के अंदर महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी पढ़नी पड़ती है, उस प्रकार से जैन धर्म के अंदर महावीर स्वामी की पूरी जीवनी पढ़नी पड़ती है। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके पूरे परिवार के बारे में जानकारी, इनके शिष्यों के बारे में जानकारी, इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी जानकारी हम लेंगे महावीर स्वामी के बारे में। करेक्ट। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम या कुंडन ग्राम, कहां रह गए? बिहार के। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडन ग्राम बिहार के अंदर हुआ था। क्लियर है? इनके फैमिली की बात करें, फैमिली जिस प्रकार से रीजनिंग के हिसाब से हमने महात्मा बुद्ध की बनाई थी, उस प्रकार से बनाते हैं। इनका खुद का जो नाम था ना, वो था वर्धमान, वर्धमान। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और महात्मा बुद्ध का खुद का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम? जब भी जैन धर्म या बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आते हैं ना, यहां से वो एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कारण क्या है? दोनों में डाउट रहते हैं, किसकी पत्नी का नाम यशोधरा था, किसकी पत्नी का नाम यशोदा था, किसका खुद का नाम सिद्धार्थ था और किसके पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदीवर्धन, बेटी का नाम प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी, और इनके पति का नाम जामाली। इनके पति का नाम जामाली। आप ये कहते हो महावीर स्वामी के दामाद का नाम जामाली। ये इनका परिवार। अगर आप इनको इस तरीके से रीजनिंग के अकॉर्डिंग याद करते हो ना, ऐसे घर पे बनाकर जल्दी याद हो जाता है, थ्योरी के साथ रटना नहीं पड़ता, मैप याद हो जाता है ना। खुद का नाम वर्धमान, पत्नी का नाम यशोदा, भाई का नाम नंदीवर्धन, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, बेटी का नाम प्रियदर्शनी, उसके पति का नाम जमाली। और जमाली ही महावीर स्वामी का पहला शिष्य था, पहला शिष्य, फर्स्ट शिष्य। इनका पहला शिष्य कौन था? जमाली। इनका दिमाग था, शिष्य कह लो या अनुयायी कह लो, इसे संघ विभेदक भी कहते हैं। जमाली को क्या कहा जाता है? संघ विभेदक। इसे संघ विभेदक के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट। महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में, यह क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेके घर को क्या कर दिया था? त्याग कर दिया, ग्रह त्याग कर दिया 30 वर्ष की उम्र में। 30 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया। अब घर त्याग दिया 30 वर्ष की उम्र में, अब जो सन्यासी बनने इन्होंने, ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था, उन्होंने इस नदी के पास जाके इस गांव में जाके सन्यासी बन गए थे वो। अब ये जामिया गांव, जामिया या जाम्बिया भी आ जाते हैं, बिहार के अंदर ही है, रिजु पालिका नदी, नदी का नाम क्या है? रिजु पालिका, रिजु पालिका नदी, ठीक है, और साल वृक्ष, वृक्ष का नाम साल वृक्ष, महात्मा बुद्ध पीपल का वृक्ष जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया। इनके वृक्ष का नाम क्या है? साल वृक्ष के नीचे बैठ के इन्होंने तपस्या की और इनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? जामिया गांव। जन्म होता कुंडन ग्राम। ज्ञान प्राप्ति जामिया गांव। नदी रिजु पालिका, महात्मा बुद्ध की नदी अनोमा, और बाद में निरंजना, अनोमा और निरंजना। अनोमा नदी के जाके उन्होंने मुंडन कराया था,
और निरंजन नदी पे उनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति। जब किसी लड़की ने कहा था कि धागे को इतना भी नहीं फोड़ना चाहिए, खींचना चाहिए कि टूट जाए। क्लियर है कंसेप्ट? दोनों को साथ साथ लेके चलना याद रखिए। ऋजु पालिका नदी और वृक्ष कौन सा है? साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर है कंसेप्ट? ज्ञान प्राप्ति होने के बाद व्यस्त इनका नाम वर्धमान था, इन्हें महावीर कह के पुकारा गया, जैसे उनको महात्मा या गौतम बुद्ध कह के पुकारा गया था, इन्हें महावीर कहा गया, इन्हें अरहत कहा गया, अरहत, इन्हें निर्ग्रंथ कहा गया, इन्हें को केवल्य कहा गया, केवल्य, केवल्य, इन्हें जिन कहा गया, ये इनके अलग अलग नाम थे, इन्हें विजेता भी कहा गया, ये इनके नाम थे। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद किस किस नाम से पुकारा गया? महावीर, अरहत, निर्ग्रंथ, केवल्य, जिन, विजेता। इन्हें महावीर क्यों कहा गया? असीम बल होने के कारण, काफी देखने में बलशाली थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? महावीर। महान है जो वीर, क्या है इसके अंदर समास, कौन सा? बहुव्रीही। महान है महावीर। हनुमान जी को भी कहा जाता है, ठीक है, पर महावीर स्वामी को भी कहा जाता है। इन्हें अरहत कहा, इनका एक नाम और क्या पड़ गया? अरहत। निर्ग्रंथ, बंधन रहित, जो किसी भी बंधन में नहीं है। केवल्य कहा गया, जिनको पूरे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ठीक है। अरहत हो जाते पूज्य, जिसकी पूजा होती है, उन्हें अरहत कहा गया। बंधनों से रहित होने के कारण निर्ग्रंथ कहा गया, ज्ञान प्राप्ति होने के कारण केवल्य कहा गया। जिनका मतलब होता है जिसने अपनी सारी ज्ञान इंद्रियों को जीत लिया, ज्ञान इंद्रियों को वश में कर लिया, ज्ञान इंद्रियों को जीतने के कारण क्या कहा गया? जिन, और विजेता कहा गया, ये इनके नाम। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट लिखिए, अब बात करते हैं कि शिष्य, महावीर स्वामी के शिष्यों की बात करते हैं। महावीर स्वामी के जो तो शिष्य थे, अभी बात की इनका पहला शिष्य कौन था? जमादेव। जो इनका क्या था? धम्म। इसे किस नाम से पुकारा जाता है? संघ विभेदक, इसे संघ विभेदक भी कहा जाता है। जमादेव इनका जो प्रिय शिष्य था, यह था पहला शिष्य, जो प्रिय शिष्य था वो था मखमली गोस्वामी। मखमली गुस्सा, ये इनका प्रिय शिष्य था, मखमली गुस्सा। इनके जो इनके टोटल 11 शिष्य थे, इनके कुल 11 शिष्य थे। 11 में इनको गंधर कहा जाता था, गंधर, इन्हें गंधर कहा जाता। इनमें से 10 शिष्य महावीर स्वामी से पहले एक्सपायर हो गए, मतलब महावीर स्वामी अभी खुद जिंदा है, लेकिन एक एक करके उनके शिष्य एक्सपायर हो गए। इनके 11 शिष्यों में से 10 शिष्य महावीर स्वामी के एक्सपायर होने से पहले एक्सपायर हो गए। एक शिष्य जो महावीर स्वामी के बाद भी एक्सपायर हुआ, उसका नाम था सुदर्मा। सुदर्मा ये महावीर स्वामी के बाद एक्सपायर हुआ था। अगर जब तक महावीर स्वामी खुद जिंदा है, वो खुद उपदेशों को आगे चल के बढ़ा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं, अपने उपदेश दे रहे हैं, ठीक है। अब महावीर स्वामी खुद एक्सपायर हो गए, महावीर स्वामी के बाद उनके जो उपदेश दे रहे हैं या उनके धर्म को आगे लेके जा रहे हैं, वो काम किसने किया था? सुदर्मा ने। इसलिए ने जैन धर्म का दोहरा या उपदेशक कहा जाता है, जैन धर्म का प्रथम उपदेशक या दोहरा कहा जाता है, किसे? सुदर्मा। यह महावीर स्वामी के एक्सपायर होने के बाद एक्सपायर हुआ। महावीर स्वामी ने जो भी महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया कहां पे? पावपुरी। और ये पावपुरी कहां रह गया? बिहार। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा कौन सी थी? पाली। इनकी प्राकृत या अर्धमग्धी भी कह रही थी, अर्धमग्धी। इनकी मुख्य भाषा कौन सी थी? प्राकृत या अर्धमग्धी। इनकी ये इनकी मृत्यु भी कहां हुई थी? पावपुरी में। जब इनकी मृत्यु हुई है उस समय भी पावपुरी में थी,
और इनकी मृत्यु हुई थी 522 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 522 ईसा में। जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई है? माइनस करो नौ में से दो सात गया, दो नौ में से दो गया सात, कितने वर्ष उम्र में? 72 ईयर में एक्सपायर हुए और महात्मा को 80 वर्ष की उम्र। 563 ईसा पुरुष लेके 783 ईसा पुरुष, ये 599 ईसा पुरुष लेके 527 ईसा पुरुष, दोनों को कंपेयर करके चलो, याद दोनों डेटा याद हो जाएंगे। ये इतना समझ आया? 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इनका खुद का नाम क्या था? वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या था? कृष्णदा था। भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन था। बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी था। दामाद का नाम क्या था? जमानी था। 30 वर्ष की उम्र में नंदीवर्धन अपने भाई से अनुमति लेकर इन्होंने घर को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष और जामिया गांव बिहार के अंदर वहां पर जाकर इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इनको महावीर कहा गया, इन्हें जिन कहा गया, इन्हें अर्हत कहा गया, इन्हें ग्रंथ कहा गया, इन्हें विजेता कहा गया, अर्हत कहा गया, इन नामों से इनको पुकारा गया। क्लियर? महावीर स्वामी का जो पहला शिष्य था वो कौन था? जामानी, इसे संघ विभेदक कहा जाता है। प्रिय शिष्य कौन था? मखमली गोसा। और इनके टोटल कितने शिष्य थे? 11 शिष्य थे। जो मखमली गोसाल है उसने एक संप्रदाय की स्थापना भी की थी, उस संप्रदाय का नाम था मखमली गोसाल ने एक संप्रदाय की स्थापना की थी, उसका नाम था आजीवक संप्रदाय। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, याद करिए। मखमली गोसाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इनके टोटल 11 शिष्य थे जिन्हें गंधर्व कहा जाता था। 10 शिष्य तो महावीर स्वामी से पहले एक्सपायर हो गए। एक शिष्य ऐसा था जो महावीर स्वामी के बाद एक्सपायर हुआ, उसका नाम क्या था? सूदर। और इसने जैन धर्म को काफी बढ़ाकर के आगे लेकर गया था। इसलिए से कहते हैं जैन धर्म का पहला धुरा या उपदेशक। उपदेशक थोड़ा सोल्व कर ले। बौद्ध धर्म में कितनी संगतियां हुई थी? चार संगतियां हुई। जैन धर्म में कितनी संगतियां हुई हैं? दो ही संगतियां हुई, दो ही सभाएं हुई। जैन धर्म में कितनी हुई है? दो संगतियां हुई है। एक तो ये 300 ईसा पूर्व में पहली, दूसरी। एक तो ये 300 ईसा पूर्व में और दूसरी 513 ईसवी। उसको ईसवी कर लेना, ईसा पूर्व नहीं हो, ईसवी कर लेना। 300 ईसा पूर्व 513 कितने सालों बाद? 800 साल। ये जीरो है, ये 300 ईसा पूर्व है और ये 513 ईस्वी है। पहले ये 300 कंप्लीट करो, फिर ये 500 कंप्लीट करो, 813 साल। क्लियर है आंसर? तो जो पहली वो जैन संगति हुई थी, जिस प्रकार से लिखना भी पड़ा था, कहां हुई थी, फिर वहां का राजा कौन था और उस समिति का अध्यक्ष कौन था, उसी प्रकार से यहां पे भी पढ़ेंगे। तो जो पहली जैन समिति हुई वो कहां हुई, किसका राजा था? स्थूल बद्र और राजा इस समय था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका कहानी भी बता सकते हो। पहली ही पाली में स्थल पर चांद आ गया, पहली ही पाली में स्थल पर चांद आ गया, पहली ही पाली में स्थल पर चांद आ गया। इसका उसकी चारों की भी हमें कहानी बनी थी। ऐसी पाली में स्थल पर धरती पे चांद आ गया, स्थल पर चांद आ गया। पाटलिपुत्र बिहार के अंदर, पाटलिपुत्र में हुई थी, अध्यक्षता किसने की थी? स्थूल बद्र ने। और राजा कौन था उस समय? चंद्रगुप्त मौर्य। 300 ईसा पूर्व में। और
और पहली ही बौद्ध जैन संगति में जैन धर्म कितने भागों में बंट गया? दो भागों में बंट गया। बौद्ध धर्म कौन सी संगति में दो भागों में बंटा था? चौथी बौद्ध संगति में। ये पहली ही जैन संगति में दो भागों में बंट गया। एक का नाम रखा गया श्वेतांबर और एक का नाम दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। इसका जो मेन हेड था जो था वो था स्थूलभद्र। ये किसके नेतृत्व में बैठा था? स्थूलभद्र के नेतृत्व में। इसका मेन बंदा कौन था? भद्रबाहु। कौन था? भद्रबाहु। अब श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहन के रखते हैं, इनको तो देखते हैं स्वेद मुंह पे, वो पूरी स्वेद ड्रेस मुंह पे पहनने के इनका रीजन एक बार पहले भी बताया था। ये कहते हैं कि अपनी हवाओं के अंदर काफी छोटे छोटे वायरस होते हैं, वायरस कह लो या जीव कह लो कीटाणु कह लो। जब हम बोलते हैं तो कितने कीटाणु हमारे अंदर चले जाते हैं और हमको खा लेते हैं। अभी हम कहते हैं गज के गिर और हम उनकी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। इस कारण जैन धर्म के लोग अपने मुंह पर पट्टा बांध करते हैं, पटकी बांध करते हैं, मास्क है इसको मास्क। वो किस से श्वेतांबर सफेद कपड़े पहन करते हैं, ठीक है। और उनका मेन बंदा कौन था उसमें? दिगंबर कहते हैं कि चारों दिशाएं हमारी वस्त्र है। ये जो चार दिशाएं हैं वही हमारा क्या है? वस्त्र, ठीक है। इसका मतलब ये कपड़े नहीं पहनते, नग्न अवस्था में रहते हैं। ये कहते हैं दिशाएं हमारे वस्त्र है, हमें वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं, ये नग्न अवस्था में रहते हैं। इनका मेन हेड कौन था? भद्रबाहु। रीडिंग करो इसकी। पहली बौद्ध संगति जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। कौन था? स्थूल भद्र। राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो दूसरी जैन संगति थी इसमें ये भी याद कर लेना, पहली जैन संगति में कितने भिक्षु आए थे? 500 भिक्षु इकट्ठे हुए थे। पहली जैन संगति में कितने भिक्षु इकट्ठे हुए थे? 500। दूसरी जैन संगति सेकंड जैन संगति दूसरी जैन संगति थी वल्लभी में। वल्लभी पड़ेगा गुजरात के अंदर इसकी, और 513 ईसा ईस्वी वल्लभी के। उस समय इसका अध्यक्षता किसने की थी? देवर्षि शमश्राव। पर राजा कौन था? कुमार। कितने भिक्षु इकट्ठे हुए थे? 700 भिक्षु इकट्ठे हुए। ये बहुत जैन संगति कंप्लीट। दूसरी जैन संगति कब हुई थी? 513 ईस्वी में हुई थी। कहां हुई थी? वल्लभी में हुई थी। देवर्षि शमश्राव ने उसकी अध्यक्षता की थी। और इस जगह का उस समय राजा कौन हुआ करता था? कुमारगुप्त हुआ करता था। उस समय कुमारगुप्त राजा चल रहा था। गुप्त वंश पढ़ेंगे अपने, मेन गद्दी पे कुमारगुप्त बैठा था और 700 भिक्षु इकट्ठे हुए थे। इसकी भी अगर कहानी बनानी हो तो बना सकते हो। जो बलशाली लोग होते हैं, बलशाली लिख लेना, जो बलशाली लोग होते हैं वो क्षमा गुप्त रूप से नहीं मांगते। जो बलशाली व्यक्ति है अगर उसने किसी से माफी मांगी है तो अगर मैं चिपके क्यों मांगू, शर्या मांगू, तो मेरी गलती है, मैं माफी मांगू। तो बलशाली व्यक्ति कभी भी क्षमा गुप्त रूप से नहीं मांगते। तो बलशाली वल्लभी, क्षमा शमाश्रम, गुप्त रूप से नहीं मांगते। कुमार गुप्त क्या था वहां का? ये अपना हुआ। इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपने कल की क्लास में।